प्रोजेक्ट करने के लिए जब सर यहाँ पे आए तो उनको अपने स्कूल के दिन याद आए, उन्हें अपने स्कूल के दिन याद आए जब वो स्कूल जाते थे तो उनके पास पैर में पहने चप्पल नहीं थे, यूनिफॉर्म नहीं था, बुक नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी और क्लास ऐसे था कि जमीन पे कुछ बिछा हुआ नहीं था और ऐसे जगह वो जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की। इसके लिए सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि आज यहाँ में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको बुक मिलता है, आपको चीज मिल रही है, आपकी जरूरत हर चीज मिल रही है। नमस्ते, मेरा नाम सलमा बेबन है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, यंगस्टर हूँ, सिर्फ 23 साल की हूँ और पिछले 13 साल से मैं सोशल वर्क करते आ रही हूँ। इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन एक ऐसा एनजीओ है जो पिछले 30 साल से ज्यादा काम करते आ रहा है और इसी के अंडर हमने दो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जबकि वो हमारा एनजीओ ही है जिसका नाम है उम्मीद और आशा है। उम्मीद ये एक ऐसा एनजीओ है जो उन बच्चों की मदद करना चाहता है जिनके पेरेंट्स नहीं है, या तो वो वन पेरेंट चाइल्ड है या तो उनके माँ बाप नहीं है। उन बच्चों की हम फीस भर रहे हैं। हमने पिछले साल इसे लॉन्च किया था, 2015 में हमने पहली हमारी प्रयास की थी जहां पे हमने 207 बच्चों की फीस भरी, जिनमें से 10 बच्चे एसएससी एग्जाम्स के लिए उन लोगों ने अपियर किया था और सक्सेसफुली 75% उन्होंने स्कोर किया। तो ये हमारा अचीवमेंट है कि जो इस गरीब बस्ती से आते हैं वो मेहनत करके कि सिर्फ इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका आधा से ज्यादा ध्यान उनकी कमाई में लगा होता है कि हम पैसे कैसे कमाएंगे, हमारी फीस कैसी भरी जाएगी, और हमारा जो ये एनजीओ है वो उनको मदद करता है तो उनका जो ये टेंशन होता है वो कम हो जाता है और वो अपना फोकस जो है पढ़ाई में कर पाते हैं। तो हमने ऐसे ही 2015 में 207 बच्चों की फीस के लिए मदद की, 207 बच्चों की फीस के लिए मदद की और इस साल हम करीबन 300 से कहीं ज्यादा बच्चों को हम फीस दे रहे हैं। 3,500 बच्चों को स्टेशनरी, स्कूल बैग्स, अम्ब्रेलास, जो कि अकोला, धानू, गोवंडी ये सारी एरियाज में है। टाइम्स न्यूज के द्वारा मैं लोगों को ये अपील करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े, 1,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करें और ऐसे बच्चों को पढ़ाई करने का मौका दीजिए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अच्छा, एक सवाल ये पूछना था आपसे कि जो फंड आता है, जो आप लोग इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज करते हो और इस किस्म से आप लोग जो अरेंज करते हो, गरीब बच्चों की मदद करते हो, तो ये फंड आपके पास कहाँ से आता है और ये फंड आपको कौन देता है, किन किन लोगों की भागीदारी है इसमें और किस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है? ये फंड्स जो है हमारे इंडिविजुअल डोनर्स ज्यादा है। हम सोशल मीडिया पे अपील करते हैं लोगों को, कॉरपोरेट कंपनीज के हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हमारे टीम मेट्स हैं, जो लोगों से अपील करते हैं कि वो 1,000 डोनेट करिए क्योंकि हम दिन भर सिर्फ बाहर जाते हैं, मैकडॉनल्ड, पिज्जा हट में ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं और वही 1,000 देने पर एक बच्चों को पूरे साल की फीस मिलती है। तो ऐसे कई लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी मदद करते हैं जिनके द्वारा हम लोगों तक पहुंच पाते हैं और लोग सामने से आते हैं क्योंकि उनको दिखता है हमारा जो काम है हम लोगों के सामने देते हैं। हमारे लिए 2 ऑप्शन है, आइदर वो हमारे जो फंड है वो डायरेक्ट हमारे एनजीओ इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन के नाम पे पहुंचाइए या फिर
वो हमें कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट स्कूल में पहुंचाइए ताकि उन्हें वो सेटिस्फेक्शन, वो हैप्पीनेस मिला कि यस उनका पैसा जो है वो सही जगह पे गया। दूसरा सवाल ये पूछना था कि आप लोगों का जो फंड आता है तो एनुअल कितना एक्सपेंसेस होता है आपका इन चीजों के अंदर, और कितना फंड आप अपनी तरफ से लगाते हो, टोटली कितना अप्रोक्सीमेट हो जाता है? अप्रोक्सीमेटली अगर हम 300 बच्चों की फीस भरते हैं ईयरली तो उनका अमाउंट कुछ जाता है 25 लाख रुपीस का, और अगर हम स्टेशनरी की बात करते हैं तो अगेन इट गोज अराउंड 10 लाख रुपीस। और सिर्फ हमारा साल में ये एक ही प्रोजेक्ट नहीं होता, इसके अलावा हम ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम सेंटर्स में जाते हैं, कैंसर पेशेंट्स बच्चों से मिलते हैं जिन्हें न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हम सप्लाई करते हैं। तो हमारे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो साइमल्टेनियसली ईयरली में चलते रहता है, और इसीलिए हम लोगों से टाइम्स न्यूज द्वारा यही अपील करते हैं कि हमें संपर्क करिए, हम तक पहुंचिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उम्मीद अरे ऑफ होप फॉर बेटर टुमारो फेसबुक पर डालकर, या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हो www.umeed2015.wordpress.com पर, या आप डायरेक्टली मुझे संपर्क कर सकते हो salma.memon@970-2285810। अच्छा ये बताइए कि आप लोग ये प्रोग्राम जो आपका चल रहा है, जो ये चैरिटी चलती है, ये आपने कितने साल से स्टार्ट किया है और कब से आपने शुरू किया है? जैसे कि मैंने बताया कि मैं 10 साल की उम्र से सोशल वर्क करते आ रही हूँ, तो ये मेरा 13 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और मेरे साथ और भी टीम है IDF की, जो मेरे गुरु है, मेरे मेंटर्स है, जो 88 यंग है लेकिन आज भी 18 घंटे वो काम करते हैं। तो वो हमारे मोटिवेशनल पर्सन है जो हमें सपोर्ट करते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं ताकि हम ऐसे बच्चों को और मदद करें। और मैं पर्सनली फंड रेजिंग का काम जो है पिछले 5 साल से करते आ रही हूँ, छोटे छोटे वेज में, जैसे बच्चों को दिवाली में क्लोथ दे देना, कैंसर के जो पेशेंट्स बच्चे जो बाहर से आते हैं उन्हें न्यूट्रिशनल मटेरियल्स प्रोवाइड करना, स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें फीस देना, आशाएं के थ्रू हम उनको स्टेशनरी सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे सपोर्ट ये हमारे थ्रू चलते रहते हैं। अभी दूसरा एक सवाल पूछना था कि आपका फ्यूचर के अंदर क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोजेक्ट आप लोग ला रहे हो? फ्यूचर में हमारा एक प्रोग्राम है स्टूडेंट लीडरशिप प्रोग्राम। ये एक नॉलेज रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम होने वाला है जहां हम बच्चों को लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं। आप अपना 2 घंटे सैटरडे को दे सकते हो, उन सैटरडे यानी साल का 48 आवर्स, इन 48 आवर्स में आप 100 लीडर्स को चर्न आउट कर सकते हो, और ये लीडर्स आगे के लिए हमें सपोर्ट करेंगे। ये हमारे फ्यूचर है इंडिया के, जब तक हम इनको एजुकेट नहीं देंगे, क्योंकि सिर्फ एकेडेमिक्स एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम होना, उनका नॉलेज बढ़ना, टाइम मैनेज करना, लोगों से कैसे बात करना, अपने आप को कैसे मेंटेन करना, अपने करियर के बारे में कैसे सोचना, ये सारे प्रोग्राम्स हमने लाए। और फ्यूचर में इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के थ्रू हम देखना चाहते हैं कि जो फ्यूचर हमने सफर किया है वो आने वाली जनरेशन सफर ना करे, और हर एक बच्चा एजुकेट करे, तभी हम प्राउडली बोल सकते हैं यस वी आर इंडियन, और इंडिया पढ़ेगा तभी ही आगे बढ़ेगा।